तो कभी भी आपसे अगर पूछा जाता है कि H2O लिक्विड क्यों है और H2S गैस क्यों है, क्योंकि H2O के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और H2S के बीच में कौन सा बॉन्ड है, वैन डेर वाल्स बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसलिए H2O के मॉलिक्यूल पास पास है और वो लिक्विड स्टेट में है, जबकि वैन डेर वाल्स बॉन्ड वीक बॉन्ड है, इसलिए H2S के बीच मॉलिक्यूल के बीच में वीक बॉन्ड होने की वजह से गैप ज्यादा है और वो क्या है, गैसियस फॉर्म में। बोलो क्लियर है? चलो देखो, आज हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में बेटा, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के बारे में, कि बॉन्ड्स कितनी तरह के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। यहाँ से आपके कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये बहुत बेसिक सा टॉपिक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना। तो हमारा टॉपिक क्या है बच्चों, हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। और देखो, जब हम टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स की बात करते हैं तो नॉर्मली हम सिर्फ दो तरह के बॉन्ड पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड और दूसरा पढ़ते हैं इंटरमोलिकुलर बॉन्ड, है ना। तो एक है हमारा बेटा इंट्रा मोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड, एंड द सेकेंड वन इज इंटरमोलिकुलर बॉन्ड, सेकेंड वन इज इंटर मोलिकुलर बॉन्ड। देखो अब नाम ही बता रहे हैं, नाम देखो, इंट्रा, इंट्रा मतलब अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड है वो इंट्रा मॉलिक्यूलर, इसका मतलब मॉलिक्यूल के अंदर कौन होते हैं, एटम, एटम मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। इसका मतलब किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम्स के बीच में बॉन्ड होता है वो कैसा बॉन्ड है, इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड। यानी हम क्या बोल सकते हैं, बॉन्ड बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड। जबकि इंटरमोलिकुलर बॉन्ड की बात करेंगे तो क्या बोल सकते हैं, बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन द एटम्स ऑफ टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ऑफ टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन द एटम्स ऑफ टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। कैसे, देखो एग्जाम्पल लेते हैं, यहां पे मैंने एग्जाम्पल लिया H2O। देखो लाइट तो नहीं आ रही, ज्यादा लाइट हो रही है, चलो थोड़ा सा नीचे एग्जाम्पल लेते हैं, यहां ले लेते हैं अब। ओके देखो, हमने लिया H2O, यहां पे भी हम एग्जाम्पल ले रहे हैं क्या, H2O दोनों जगह। अब जब यहां H2O लिया तो H2O का स्ट्रक्चर क्या है, देखो OH, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ H2O सबको पता है, यहां पे वाटर का स्ट्रक्चर क्या होगा, OH, यहां पर OH और H। देखो ये है वाटर का स्ट्रक्चर, दिख रहा है हम सबको। अब देखो ध्यान से, यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर एक ही मॉलिक्यूल में दो एटम के बीच में बॉन्ड आ रहे हैं, और इन्हीं बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर, इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड्स। क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड्स। जबकि यहां पर देखो, यहां पर बॉन्ड्स हो रहे हैं दो एटम्स के बीच में, लेकिन क्या डिफरेंस लग रहा है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स, है ना। यहां पे भी देखो दिख रहा है, तो इंटरमोलिकुलर बॉन्ड क्या होते हैं, दो मॉलिक्यूल के एटम्स के बीच में जो बॉन्ड लगते हैं, ठीक है। तो ये कौन से बॉन्ड है, ये हमारे इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स। कौन से बॉन्ड है बच्चों, इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स। बोलो यहां तक कोई डाउट, पता चला। अब समझो आगे, देखो सबसे पहले जो इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बल्क फिनोमिना के लिए, जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इनके लिए, है ना। तो ये जो बॉन्ड्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इंटरमोलिकुलर बॉन्ड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी जब भी आप कभी भी बॉइलिंग पॉइंट ये सब चीज देखोगे तो आप कौन से बॉन्ड चेक करोगे, इंटरमोलिकुलर बॉन्ड्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, है ना, एंड सो ऑन। इन सबके लिए आप क्या देखते हो, हमेशा इंटरमोलिकुलर बॉन्ड देखते हो। सॉलिबिलिटी के लिए भी इसको देखते हो, विस्कोसिटी, सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी, इन सबके लिए किसको देखोगे, इंटरमोलिकुलर बॉन्ड्स को देखोगे।
बोलो क्लियर है, चलो शाबाश। अब देखो इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड कौन कौन से होते हैं। इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड में आप पढ़ते हो सबसे पहले आयोनिक बॉन्ड, कौन से बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड्स। अच्छा अगर मैं आयोनिक बॉन्ड्स की बात करूं तो किस किस के बीच में बनते हैं, फॉर्म्ड बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो क्या बोल सकते हैं, फॉर्म्ड बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनते हैं, बोलो क्लियर है। सेकंड आप पढ़ते हो कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड्स किसके बीच में बनते हैं, फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल्स नॉन मेटल्स, तो किसके बीच में बन रहे हैं, फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बनते हैं, ठीक है। सी आप पढ़ते हो थर्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स किसके बीच में बनते हैं, ये भी फॉर्म्ड होते हैं नॉन मेटल नॉन मेटल, आपको पता है ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड बनते थे इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, जबकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो फॉर्म्ड बिटवीन अगेन नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये भी नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनते हैं, पता है। फोर्थ बॉन्ड एंड द लास्ट बॉन्ड मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड्स, मेटेलिक बॉन्ड्स किसके बीच में बनते हैं, फॉर्म बिटवीन मेटल्स एंड मेटल्स, मेटल्स और मेटल्स के बीच में कौन से बॉन्ड बनते हैं, मेटेलिक बॉन्ड। जैसे मैंने बोला आयरन, आयरन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, मेटेलिक बॉन्ड है। मैंने बोला सोडियम, कौन से बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, सोडियम इज अ मेटल, लेकिन मैंने बोला सोडियम क्लोराइड NaCl, कौन से बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, तो ये याद रखना है NaCl के बीच में आयोनिक बॉन्ड है, लेकिन सोडियम इज अ मेटल, कौन से बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, बोलो पता चला। चलो अब बात करते हैं इंटरमोलिकुलर बॉन्ड्स के बारे में। अब इंटरमोलिकुलर बॉन्ड्स कौन कौन से होते हैं, देखो इंटरमोलिकुलर बॉन्ड में आप कौन कौन से बॉन्ड पढ़ोगे, यहां पे आप फर्स्ट पढ़ोगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इसको पूरा लिख देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। सेकंड आप पढ़ोगे आयन डाइपोल बॉन्ड्स, एंड द थर्ड वन इज वंडरवॉल बॉन्ड्स, और वंडरवॉल बॉन्ड्स भी तीन तरह के होते हैं, वंडरवॉल बॉन्ड्स भी तीन तरह के होते हैं, तो एक बार इसको नोट करते हैं, देन फिर हम इंटरमोलिकुलर बॉन्ड्स को और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। इनको तो हम अलग से पढ़ेंगे टॉपिक वाइज, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड है तो कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, इसको पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसमें मेटेलिक बॉन्ड को अलग से पढ़ेंगे, और आयनिक बॉन्ड कहाँ पे पढ़ेंगे, लैटिस एनर्जी, इन सब में पढ़ेंगे, तो इनको तो पढ़ेंगे। अभी इसको एक लेआउट से हम बनाते हैं ना, तो एक बार नोट करो, देन फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो देखो आगे बढ़ते हैं, और हम बात कर रहे हैं अब किसके बारे में, इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स के बारे में। देखो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि यहां से आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस बनते हैं ना, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो बात कर रहे हैं हम लोग किसके बारे में, इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स के बारे में, इंटर मॉलिक्यूलर, इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स के बारे में। देखो जब भी हम लोग इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स के बारे में बात करेंगे ना, तो यहां पर अब मैं सारे बॉन्ड्स एक तरफ से लिख रहा हूं और बताता हूं किस किस के बीच में कौन कौन से बॉन्ड होते हैं। देखो सबसे पहले आया आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, सबसे पहले आया आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। सेकंड आएगा आपका आयन डाइपोल बॉन्ड, आयन डाइपोल बॉन्ड, और थर्ड आएगा आपका बच्चों वंडरवॉल बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, वंडरवॉल बॉन्ड, वंडरवॉल
बॉन्ड। अब देखो ध्यान से देखो और समझो, अभी हमने लेआउट में बॉन्ड देख लिए, आयोनिक बॉन्ड है ना, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट मेटेलिक, वो इंट्रामोलिक्यूलर तो उनको अपने साइड कर दिया, अपन इंटरमोलिकुलर की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। अब क्या याद रखना है, हाइड्रोजन बॉन्ड किस किस के बीच में फॉर्म्ड होता है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड होता है बिटवीन फ्लोरीन फोन, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में फॉर्म होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन अब कंडीशन क्या है कि ये जो हाइड्रोजन है ना, जो इनसे बॉन्ड बना रहा है, वो भी फोन में से किसी एक से जुड़ा होना चाहिए, वो भी फोन में से किसी एक से जुड़ा होना चाहिए। समझ पा रहे हो? जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने, एग्जाम्पल ले लेता हूं, एग्जाम्पल नंबर वन NH3 मॉलिक्यूल्स, तो इनका स्ट्रक्चर होता है लीनियर स्ट्रक्चर होता है। कैसे? देखो हम मॉलिक्यूल्स बोल रहे हैं ना, एक मॉलिक्यूल नहीं, एक मॉलिक्यूल तो पिरामिडल होता है, NH3 का स्ट्रक्चर पिरामिडल है, NH3 मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। तो होता क्या है, देखो नाइट्रोजन, देखो यहाँ लाइट तो नहीं आ रही, नहीं आ रही ना, नाइट्रोजन से कौन जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन जुड़े हुए, फिर से नाइट्रोजन से कौन जुड़े हुए, हाइड्रोजन जुड़े हुए, फिर से नाइट्रोजन से कौन जुड़े हुए, हाइड्रोजन जुड़े हुए, बोलो दिख रहा है? अब होगा क्या, देखो इस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, देखो मैंने क्या बोला, फोन में से एक एलिमेंट होना चाहिए और दूसरा जो हाइड्रोजन है वो भी किससे जुड़ा होना चाहिए, नाइट्रोजन से। देखो हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा है और देखो यहां पर ये बन रहा है, तो ये कौन से बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स, कौन से बॉन्ड से, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आपसे पूछा जाता है NH3 का स्ट्रक्चर, NH3 मॉलिक्यूल्स है, अगर वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं तो उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, लीनियर होगा। और आपसे पूछा जाएगा एक और, HF का स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्या पूछा जाएगा, जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, आपको बोला जाएगा HF मॉलिक्यूल्स, HF के मॉलिक्यूल्स, इनका स्ट्रक्चर क्या होगा, देखो फ्लोरीन आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, दैट मीन इसके बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। अब कैसे स्ट्रक्चर बनता है, देखो फ्लोरीन डिफरेंट कलर से बनाता हूँ, ब्लैक से बनाते हैं, फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड बना रहा होता है हाइड्रोजन से, और ये हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, दूसरे फ्लोरीन से। अब ये फ्लोरीन क्या कर रहा होता है, बॉन्ड बना रहा होता है हाइड्रोजन से, और ये हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन से, और ये फ्लोरीन बॉन्ड बना रहा होता है दूसरे हाइड्रोजन से, और ये किससे जुड़ा होता है, फ्लोरीन से, है ना, ठीक है, इस तरह से फ्लोरीन से, फिर से ये फ्लोरीन क्या बना रहा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होता है, और ये हाइड्रोजन किससे जुड़ा होता है, फ्लोरीन से। बोलो कैसा स्ट्रक्चर लग रहा है, ज़िगज़ैग स्ट्रक्चर लग रहा है कि नहीं, तो ये देखो ये हाइड्रोजन बॉन्ड से, ये दिख रहे हैं, ये कौन से बॉन्ड्स है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, सबको दिखाई दे रहे हैं, देखो बच्चों कौन से बॉन्ड्स है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स, बोलो दिखा, इसका भी शेप क्या होता है, चेप का ज़िगज़ैग शेप। तो आपसे क्या होगा, शेप पूछा जाएगा कि किसका कौन सा शेप है, तो HF का शेप कैसा होता है, ज़िगज़ैग शेप होता है, NH3 का कैसा शेप होगा, लीनियर होगा। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अब क्या हो रहा है, अब कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है, देखा ना 24 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, है ना, कितने 67 बच्चों के कितने थे, 720 out of 70 है ना, लेकिन अब क्या हुआ, अच्छा दोबारा से पब्लिश हुआ रिजल्ट, तो शायद 14 कुछ बच्चों के हैं 720 out of 720 है ना, तो फिर भी यार 14 भी काफ़ी होते हैं, इसका मतलब कॉम्पिटिशन काफ़ी टफ है, तो इसका मतलब क्वेश्चन के लेवल बढ़ाए जाएंगे। अगर NCERT में हाइड्रोजन बॉन्ड लिखा है, HF मॉलिक्यूल लिखा है, तो स्ट्रक्चर पूछ सकता है एग्जाम में, तो हम थोड़ा सा और उसको अच्छे से देखेंगे। बोलो क्लियर है? तो HF की कंडीशन पहचानी है आपने। अच्छा देखो सुनो, यूरिया, मैंने आपसे बोला क्या यूरिया में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, होगा, यूरिया का स्ट्रक्चर क्या होता है, यूरिया का स्ट्रक्चर होता है, मैं यहां बना दूं, है ना, NH2 सी डबल बॉन्ड हो, NH2 कोई बात नहीं, इतना बस एक एग्जांपल दे रहा हूं, है ना, दूसरा भी क्या होगा, सी NH2 और सी डबल बॉन्ड हो, देखो ऐसे क्या हो रहा है इनके बीच में, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, तो यूरिया भी क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। बोलो क्लियर है? तो आपको तो बस ये देखना है कि आपका जो मॉलिक्यूल है उसमें फोन में से कोई एलिमेंट तो नहीं है, और क्या उससे हाइड्रोजन जुड़ रहा है,
अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। बोलो क्लियर है, सवाल समझ आया? चलो सेकंड आता है आपका आयन डाइपोल बॉन्ड। अब आयन डाइपोल बॉन्ड क्या होता है? मैंने एक आयन ले लिया और एक डाइपोल बनाया। जैसे मैंने बोला एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने बोला सीएल नेगेटिव है ना, यानी हम इसको बोल सकते हैं फॉर्म बिटवीन आयन एंड अ पोलर। नॉर्मली पोलर मॉलिक्यूल ही होता है, पोलर मॉलिक्यूल। कैसे? इन जनरल पोलर मॉलिक्यूल ही होता है। जैसे मैंने ले लिया सीएल नेगेटिव, तो एक आयन है आपका सीएल नेगेटिव, साथ में ले लिया एससीएल, एससीएल। अब एक आयन है, एक मॉलिक्यूल है, देखो मॉलिक्यूल क्या पोल बनाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। आयन कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है, क्योंकि नेगेटिव क्या करेगा, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। और इसी बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम लोग, आयन डाइपोल बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जाम एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन है, मैं इसी में पूछ रहा हूँ कि विच मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल, कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल। मैं दो मॉलिक्यूल बना रहा हूं, देखो एफ एच एफ 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 से तो एच जुड़ेगा एच एफ, ऐसे मैंने एक मॉलिक्यूल बनाया, दिस द मॉलिक्यूल ए है ना। मैं बी बना रहा हूं, बी एफ नेगेटिव एच एफ एच एफ, बोलो कौन ज्यादा स्टेबल है, बोलो कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल, फर्स्ट या सेकेंड। अब देखो फर्स्ट वाले में तो ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन यहां पे भी एच की एच एफ के बीच में क्या लग रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन यहां कौन सा बॉन्ड लग रहा है, आयन डाइपोल बॉन्ड। तो देखो ध्यान से, यहां सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड था, ये मत बोल रहे दो बॉन्ड थे, ये बहुत लंबे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, तो यहां पर सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड थे, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ कौन कौन सा बॉन्ड है, आयन डाइपोल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। दैट मींस दिस इज मोर स्टेबल। पता चला ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन आता है तो पता होना चाहिए। लास्ट वन वंडरवॉल बॉन्ड। अब वंडरवॉल बॉन्ड बेटा आपके तीन तरह के होते हैं, वंडरवॉल बॉन्ड आपके तीन तरह के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है आपका डाइपोल, डाइपोल बॉन्ड, ठीक है। दूसरा होता है आपका डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, वेरी गुड, इंड्यूस्ड डाइपोल बॉन्ड, ठीक है। डाइपोल डाइपोल बॉन्ड को किसोम फोर्स भी बोलते हैं, है ना, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो किसोम फोर्स। एंड लास्ट वन इज इंड्यूस्ड डाइपोल बॉन्ड, जिसको आप लोग डिस्पर्सन फोर्स या फिर लंदन फोर्स भी बोलते हो, लंदन फोर्स भी बोलते हो। और ये वीकेस्ट बॉन्ड है, इससे कमजोर कभी कोई बॉन्ड हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो अगर मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखूं यहां पर, अगर मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ लिखूं, अगर मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखूं, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, सबसे स्ट्रांग बॉन्ड कौन सा बॉन्ड। अब इंट्रामोलिकुलर भी ऐड करो, आयोनिक बॉन्ड, कौन सा आयोनिक बॉन्ड, देन कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, और कोवलेंट बॉन्ड की बराबरी कौन सा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसका मतलब मुझे ये तो पता पड़ गया इंटरमोलिकुलर बॉन्ड और इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड में इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, बोलो क्लियर है। देन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बीच बात क्या आएगा, मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड के बाद क्या आएगा, अब ये आ गए आपके इंटरमोलिकुलर बॉन्ड, अब इसमें आएगा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन। अब मैं नीचे लिख देता हूं, कोई बात नहीं है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड के बाद क्या आएगा, आयन डाइपोल बॉन्ड, आयन डाइपोल
बॉन्ड। आयन डाइपोल बॉन्ड के बाद कौन आएगा? डाइपोल डाइपोल, है ना, या कहीं और लिखूं, इतना समझ जाएंगे ना, कोई बात नहीं। डाइपोल डाइपोल बॉन्ड, बोलो पता चला। देन फिर कौन सा आया? डाइपोल इंड्यूस डाइपोल बॉन्ड। द लास्ट वन, सबसे कमजोर बॉन्ड, डिस्पर्जन बॉन्ड, डिस्पर्जन बॉन्ड। तो ये है बच्चों आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर, इसको भूलना जाना। ये बाकी चीजें तो सब इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछनी जाती है, ठीक है। अब सुनो, डाइपोल डाइपोल बॉन्ड किसके बीच में लगते हैं ये तो बता दो। दो ऐसे मॉलिक्यूल जो पोलर है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मैंने एग्जांपल लिया HCl, तो देखो HCl और HCl, तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, देखो दो पोल बन रहे हैं ना, डायपोल डायपोल। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल किसके बीच में लगेंगे? जिसमें एक में पोल बन रहा होगा, एक में पोल नहीं बन रहा, तो जिसमें, जैसे मैंने बोला HCl और Cl2, लो तो HCl में तो कैसे पोल बन रहे हैं, ऐसे लिख देते हैं Cl और H, तो नेगेटिव और पॉजिटिव। लेकिन Cl Cl तो दोनों सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो कोई बॉन्ड नहीं बनना चाहिए। लेकिन ये पोलर होने की वजह से इसमें पोल जनरेट करता है, और Cl पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट करता है, और इसमें पार्शियल पॉजिटिव। और अब इनके बीच में कौन से बॉन्ड बने? डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। तीसरा, डिस्पर्जन फोर्स, ये किसके बीच में लगते हैं? ये उनके बीच में लगते हैं। नॉर्मली ज्यादातर जो आपकी नोबल गैसेज हैं, उन सब में कौन से फोर्स लगते हैं? डिस्पर्जन फोर्स या फिर लंदन फोर्स लगते हैं। बोलो समझ आया? क्लियर है? देखो यहां से क्वेश्चन जनरेट होता है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, है ना, फिर उसको चाहोगे तो मैं लिखवा दूंगा, है ना। मेरा क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन है HF इज लिक्विड बट HCl इज अ गैस, क्यों? H2O इज लिक्विड बट H2S इज अ गैस, क्यों? चलो पहले से नोट करो, फिर बताता हूँ, है ना, करो जरा नोट। चलो देखो आगे बढ़ते हैं, एक दो छोटी मोटी चीजें और पढ़ लेते हैं बेटा, है ना, इनको थोड़ा सा अप्लाई करके देख लेते हैं। एक दो क्वेश्चंस हैं, ज्यादा नहीं है, एक दो ही है ना, उनको कर लेते हैं जरा। देखो हमारा क्वेश्चन है, इसको मिटा देते हैं जरा, हमारा क्वेश्चन है, सबने वाटर देखा है, कौन सी स्टेट होती है? लिक्विड स्टेट। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वन, H2O इज लिक्विड बट H2S इज अ गैस, व्हाई? H2O लिक्विड है लेकिन H2S, देखो ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है ना, ऑक्सीजन फैमिली चाहिए ना, सेम प्रॉपर्टी होनी चाहिए ना, लेकिन H2O लिक्विड है लेकिन H2O गैस है, क्यों? H2S गैस है, क्यों? क्योंकि H2O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड आ रहे हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो उन्होंने मॉलिक्यूल को पास में रखा है, पढ़ा है ना, सॉलिड के बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, लिक्विड के थोड़ा कम और गैस के बीच में बहुत कम। तो H2O मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो रहा है? इन H2O मॉलिक्यूल, इन H2O मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, आर फॉर्म्ड, है ना, और जो कैसे बॉन्ड है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जिनसे मॉलिक्यूल क्या है? पास पास है। लेकिन अगर बात करें इन H2S, तो इन H2S मॉलिक्यूल इसके बीच में कौन से बॉन्ड बन रहे हैं? वैन डेर वाल्स बॉन्ड, वैन डेर वाल्स बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, जो कैसे बॉन्ड है? वीक बॉन्ड है। तो कभी भी आपसे अगर पूछा जाता है कि H2O लिक्विड क्यों है और H2S गैस क्यों है, तो ये H2O के बीच में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और H2S के बीच में कौन सा बॉन्ड है? वैन डेर वाल्स बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसलिए H2O के मॉलिक्यूल पास पास है और वो लिक्विड स्टेट में, जबकि वैन डेर वाल्स बॉन्ड वीक बॉन्ड है, इसलिए H2S के बीच मॉलिक्यूल के बीच में वीक बॉन्ड होने की वजह से गैप ज्यादा है, और वो क्या है? गैसियस फॉर्म में। बोलो क्लियर है? देखो एक और ऐसी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे आपसे बोल दिया जाता है HF इज लिक्विड बट HCl इज अ गैस, इज अ गैस, फिर से वाई, क्यों? तो अगेन वही रीजन,
एच एफ में फ्लोरीन है और एच एफ के बीच में कौन से बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि एस सी एल के बीच में कौन से बॉन्ड है, वंडरवॉल बॉन्ड। ठीक है, अब क्या बोल सकते हो, देखो लाइट तो नहीं आ रही, नहीं आ रही, एच एफ में कौन से बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि एस सी एल में कौन से बॉन्ड, वंडरवॉल बॉन्ड। बोलो हाँ यार। ठीक है, अब एक मस्त चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, देखो यहां बताता हूं, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ इंट्रा मॉलिक्यूलर, इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स के। बॉइलिंग पॉइंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स के, पहली बात ये याद रखना। दूसरी चीज सुनो, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कब बढ़ते हैं, जब मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया बढ़ता है, यानी साइज बढ़ता है ना। तो इसका मतलब नंबर ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, साइज के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, साइज के, या आप बोल सकते हो सरफेस एरिया के, साइज के या फिर सरफेस एरिया के। बोलो पता चला कैसे, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, मैंने बोला H2SE, H2TE और H2PO। मैंने बोला बताओ भाई सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, तो देखो सारी की सारी गैसेस है और सबके बीच में कौन से बॉन्ड है, वंडरवॉल बॉन्ड है। कौन से बॉन्ड है, वंडर, जब कोई बॉन्ड नहीं है तो वंडरवॉल ही होगा, जब हाइड्रोजन बॉन्ड तो बन नहीं रहा, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा ना, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन नहीं रहा, आयन डाइपोल कहीं दिख नहीं रहा, इसका वंडरवॉल बॉन्ड है, तो वंडरवॉल बॉन्ड बन रहे, तो जितना ज्यादा साइज बड़ा होगा उतना सरफेस एरिया ज्यादा होगा, और जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना इंटरमोलिकुलर बॉन्ड ज्यादा। तो बोलो सबसे ज्यादा बॉन्ड कौन बनाएगा, H2PO। और देखो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो गया, हाँ नहीं लेफ्ट टू राइट जाते, हर जगह नहीं लगता ना। देखो सुनो, इनर्ट पेयर इफेक्ट खाली एटम में लग रहा था, या वो जो अपना खुद का मॉलिक्यूल बना था उसमें लग रहा था, लेकिन बीच के बॉन्ड्स की बात हो रही है ना, या दो मॉलिक्यूल्स के बारे में बात हो रही है। इनर्ट पेयर इफेक्ट एक मॉलिक्यूल में लगता है, या दो मॉलिक्यूल के बीच की बात हो रही है, तो यह इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं लगेगा। तो साइज बढ़ रहा है जिसकी वजह से सरफेस एरिया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो वंडरवॉल बॉन्ड भी क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, है ना, वंडरवॉल बॉन्ड बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं। बोलो पता चला। अच्छा देखो एक और एग्जांपल मैंने दे दिया, लो H2O, H2S, H2SE, H2TE और H2PO। अब बोलो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका, अब सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो गया H2O का, क्यों, क्योंकि इसमें कौन है, हाइड्रोजन बॉन्ड है जो स्ट्रॉन्ग है वंडरवॉल से, इसलिए सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका, वाटर का, देन H2PO, देन H2TE, देन H2SE और सबसे कम H2S। बोलो पहचान लोगे। सेम इसी तरह देखो एक एग्जांपल और, मैंने बोला NH3, PH3, ASS3, SBS3। बोलो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका, NH3 का, क्यों, NH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है भाई, अभी पढ़ा है, अभी पढ़ा है ना। अब हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पे आ गया, अब बाकी सब में क्या लग रहा है, बाकी सब में वंडरवॉल बॉन्ड लग रहे हैं, तो वंडरवॉल का ऑर्डर क्या होगा, ये होगा, साइज बढ़ रहा है, लेकिन यहां पे NH3 का क्या है, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका, NH3, देन SBS3, देन AS3 और सबसे कम PS3। बोलो पता चला। देखो ऐसी एक एग्जांपल और ले लो, HF, HCl,
एच बी आर और एच आई, बोलो समझा था किसका, समझा था किसका, एच एफ का, क्योंकि इसमें भी कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, बाकी सब में कौन से बॉन्ड लगेंगे, वंडरवॉल बॉन्ड, तो सबसे ज्यादा एच एफ, देन एच आई, देन एच बी आर एंड देन एच सी, बोलो पता चला। तो भाई बॉन्ड से ये चीजें आती हैं तो आपको पता होनी चाहिए, बोलो कर पाओगे, किसी को कोई डाउट, चलो तो नोट करो आज इतना ही करते हैं, कल से हम लोग पढ़ेंगे कोवलेंट बॉन्ड और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी ओवरलैपिंग, ठीक है, कर लो बेटा नोट।